गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ योर SST वीडियो। एज यू नो कि हमारा ज्योग्राफी का लेसन चल रहा था, तो ज्योग्राफी के ही लेसन हम लोग आज बच्चों पढ़ेंगे। लेसन 5, मेजर क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो चलिए आज का लेसन, आज की पढ़ाई हम लोग शुरू। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप अपनी बुक निकाल लीजिए। आपका बुक का लेसन नंबर है 5, मेजर क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये आपको मैंने रीडिंग करवा दी थी, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था। इसकी एक्सरसाइजेस रह गई हैं, तो चलिए एक्सरसाइज का हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शंस है। फर्स्ट है, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, फिशिंग। तो राइट आंसर इज एग्रीकल्चर। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न मेथड, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, नोमैडिक हर्डिंग या फिर पेस्टोरल फार्मिंग। आंसर इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। थर्ड, इट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन फाइबर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सिल्क, कॉटन या जूट। राइट आंसर है जूट। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फार्मिंग इन द USA, द फार्मर्स आर वेरी बिग इन साइज, मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इज डन विद मशीन्स, स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ कल्टिवेशन इज समटाइम फॉलोड। तो नंबर 3 आपका जो है ये है राइट आंसर, इसको आप करेंगे। उसके बाद फिल द ब्लैंक्स है आपके, फिल द ब्लैंक्स कर लेते हैं। नंबर 1 है, राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन ज्वार, ज्वार एंड बाजरा, JOWAR, ज्वार, BAJRA, बाजरा, ओके। नंबर 2, डैश इज पेस्टिसाइड इन अ टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आएगा पेस्टोरल, PASTORAL, पेस्टोरल फार्मिंग, ओके। थर्ड 1 इज हॉर्टिकल्चर इज ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर सेल, यहाँ पे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स लिख लेंगे। नंबर 4, डैश इज द चीप फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड, यहाँ पे आएगा राइस, ओके। नंबर 5, इन आर कंट्री लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक, ओके, स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक हो गया। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है, 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ये ट्रू है। नंबर 2, हर्डस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सर्च ऑफ फॉर्डर, ये भी ट्रू है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, डेयरी फार्मिंग इज एन एक्सटेंसिव टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग, तो बच्चों ये भी ट्रू है। उसके बाद, द मार्केट गार्डन ऑक्यूपाइज सम वेकेंट लैंड इन द सिटी और टाउन एंड सप्लाई फ्रेश प्रोड्यूस ऑफ लोकल पीपल, तो ये भी ट्रू है। लास्ट है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द ऑक्यूपेशन ऑफ अबाउट 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये फॉल्स है। ऑलराइट, उसके बाद देखिए मैं सब फॉलोइंग है। फर्स्ट है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसका है ट्रॉपिकल लोलैंड, ओके। नंबर 2, एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, इसका आंसर है हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन। नंबर 3, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का है क्या, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। नंबर 4, मिलेट्स का है कोर्स ग्रेन। नंबर 5, ब्राजील है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो आपका मैच द फॉलोइंग भी हो गया। उसके बाद में देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपके, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इसका आंसर है पेज नंबर है 40, पेज नंबर 40 में देखिए यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है, इन द 50% ऑफ द पीपल आर इंगेज से लेकर यहाँ तक मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रीज, यहाँ तक आपका शॉर्ट का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन नोमैडिक हर्डिंग, इसका आंसर है ये देखिए पेज नंबर 42 निकाल लीजिए। आपका हेडिंग पड़ा है नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग में यहां से लिखेंगे आप डिफरेंट टाइप से लेकर और आप लिखेंगे यहां तक का सप्लाई तक एंड वाटर सप्लाई, यहां तक आंसर आपका हो गया आंसर नंबर शॉर्टकट 2। क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो इसका आंसर है पेज नंबर 43, ये हेडिंग पड़ा है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यहाँ पे स्टार्टिंग से शुरू करेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर से लेकर और ये 1, 2, 3, 4 फोर्थ लाइन है, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यहाँ तक आपको लिखना है। ऑलराइट, ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन एंड जूट, कॉटन एंड जूट की एसेंशियल कंडीशन बतानी है आपको। पेज नंबर 45 निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पे कॉटन लिखा हुआ है तो एसेंशियल कंडीशन बतानी है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे आप, ठीक है। यहाँ से पहले लिखेंगे, यहाँ से आप कंडीशन फॉर ग्रोथ से टेम्परेचर,
टेम्परेचर के बाद रेनफॉल, बस इतना ही लिखेंगे आप। पहले तो आप लिखेंगे कॉटन के बारे में, उसके बाद जूट के बारे में पूछा गया, तो जूट के बारे में पता करने के लिए पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 पे देखिए टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर, रेनफॉल और बस ये सॉइल तक का जो है आपका, यहाँ तक का बस ये आपका हो जाएगा शॉर्ट का फोर्थ का आंसर पूरा। पहले आप कॉटन के बारे में हेडिंग डालेंगे, कॉटन के बारे में लिखेंगे, फिर आप जूट हेडिंग डालेंगे, फिर जूट के बारे में लिखेंगे। ऑलराइट, चलिए उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन का फर्स्ट है एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन अ रीजन, तो इसका आंसर है पेज नंबर है 41, ठीक है पेज नंबर 41 पे देख रहे हैं आप, ये क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी लिखा हुआ है ना, यहीं से आप शुरू करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस से लेकर वन, ये पूरा पैराग्राफ हो गया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ तक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर, यहाँ तक आप लॉन्ग का फर्स्ट का आंसर आप यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है वॉट इज मिक्सड फार्मिंग, स्टेट इट टू चीफ फीचर्स, मिक्स फार्मिंग के दो आपको फीचर्स बताने हैं। पेज नंबर 43, इसमें मिक्स फार्मिंग आप हेडिंग देख रहे हैं, तो मिक्स फार्मिंग में देखिए पहले यहाँ पे आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, मिक्स फार्मिंग से लेकर पूरा ये लिख लेंगे आप, यहाँ तक का ये लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ लिख दिया आपने, फिर आप नंबर 1 डालेंगे, आप टू फीचर्स बताने हैं ना, तो नंबर 1 डाल के आप यहाँ से लिखेंगे मिक्स टाइप से लेकर ये पूरा सेंटेंस नॉर्थ वेस्ट पंजाब, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट डालना है, नंबर 2 लिखेंगे तो नंबर 2 में अंडर द से लेकर, अंडर द से लेकर लार्ज और स्मॉल, बस सेकंड पॉइंट आपका इतना लंबा है, ठीक है। पहले आप मिक्स फार्मिंग हेडिंग डालेंगे, ये लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का, फिर आप नंबर 1 पॉइंट डालेंगे, उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट हो जाएगा, फिर नंबर 2 पॉइंट डालेंगे तो उसमें यही सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ओके। नंबर 3 क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सिर्फ 2 क्रॉप्स जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके बारे में आपको लिखना है। इसके आंसर के लिए पेज नंबर 44 खोल लीजिए और बहुत ध्यान से समझिएगा, आपकी फूड क्रॉप्स बतानी है आपको, 2 बतानी है, तो 2 में पहले राइस हो गया, राइस में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे राइस के लिए, यहाँ से लिखेंगे आप शुरुआत से राइस से, राइस इज अ चीफ फूड से लेकर ये लिखेंगे, कंडीशन फॉर ग्रोथ लिखेंगे, उसके बाद एरियाज ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे, यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है इतना लिख लेंगे आप, हो जाएगा आपका पहला राइस के बारे में। नंबर 2 में आप हेडिंग डालेंगे वीट, तो वीट के बारे में आप पहले लाइन लिखेंगे वीट इज अ स्टेपल फूड इन द मिड लैटिट्यूड्स एंड ड्राई ट्रॉपिकल रीजन ये, उसके बाद फुल स्टॉप, फिर आप लिखेंगे इट इज अ रबी क्रॉप फुल स्टॉप, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे कंडीशन फॉर ग्रोथ से लेकर, कंडीशन फॉर ग्रोथ, फिर रेनफॉल, फिर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, बस यहाँ तक, यहाँ तक आप उसके वीट के बारे में लिख लेंगे, ये आपका लॉन्ग का 3rd वाला पूरा हो गया। उसके बाद में देखिए 4th क्वेश्चन है विच फैक्टर्स हैव हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसके आंसर के लिए पेज नंबर 47 खोल लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे तो यहाँ से लेकर हेडिंग से लेकर और लिखते जाएंगे यहाँ तक सिक्योरिटी का, ठीक है पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर सम से, सम ऑफ द से लेकर यहाँ तक का, समझ में आ गया सबको, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर सम ऑफ द से लेकर लास्ट तक लिखेंगे पूरे पैराग्राफ के लास्ट तक का। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है व्हाई डू द गवर्नमेंट डिस्करेज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बहुत बहुत ध्यान से समझिए कहाँ लिखेंगे आप, पेज नंबर 41 देख रहे हैं, इसमें लास्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन हेडिंग पड़ी हुई है, तो पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन हेडिंग डालेंगे आप और हेडिंग डालते हुए पहले यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 42 खोलेंगे, पेज नंबर 42 पे देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड पैराग्राफ जो है 3rd लाइन, यहाँ पर शिफ्टिंग से लेकर यहाँ से लेकर पूरी लाइन लिखेंगे, ये लिखेंगे पूरा यहाँ तक का, ये पूरा आपका आंसर कम्प्लीट हो गया, ठीक है। इसके ऐसे बच्चों आपका मैंने एक्सरसाइज पूरा करवा दिया, सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, अमेजा फॉलोइंग फिलिंदा ब्लैंक्स टू एंड फोर्थ सब हो गया, अब आपका काम क्या होगा, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, तो अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपकी कॉपी चेक कर दी जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।